अब इस पे हम एक डिजाइन बनाते हैं, शोर से समझना है कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक, चलो वो बाद में लगा देंगे, एक सर्किल ले लेते हैं। सर्किल को हम एक कलर दे देते हैं, कलर को आउटलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 पॉइंट की आउटलाइन है, सही, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जूम लेवल मैंने 600% किया हुआ है, अगर देखा जाए तो ये बेसिकली इतना बड़ा है। तो अगर मैं इतने बड़े पे काम कर रहा हूँ तो ये अभी रखा ले 100% पे हो गई। ये अभी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करने लगे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लें, चाहे लाइन टूल से कर लें, चाहे पेन टूल से कर लें, किसी से भी कर लें। एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, लाइन ड्रॉ करके हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहां से रोटेशन टूल का इस्तेमाल किया, ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक किया, 60 डिग्री पे एक कॉपी ले ली इसकी, कंट्रोल डी किया एक और कॉपी ले ली, सेलेक्ट किया इसको ऐसे करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। सेलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर खोलना है, इसमें आपको मिलेगा डिवाइड, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आपने ये अंदर वाले इन सबको सेलेक्ट किया, डिलीट वाला बटन दबाया, मजे से डिलीट कर दिया। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, पूरा सर्किल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक को ओपन किया, स्ट्रोक में जाने के बाद आपने नीचे प्रोफाइल में से ये वाला स्टाइल लिया, फिर इसकी जो डेप्थ है वो बढ़ा के आपने 12 कर दी, 13 कर दी, 14 कर दी, जितना उसको मोटा बना। अब डॉट्स में कैसे कन्वर्ट हो गई है, यहाँ से केप जो इसका स्क्वायर है इसको डॉट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर छोटे छोटे डॉट्स पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, डैश लिमिट्स एक्टिवेट करेंगे, यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 16, 17, 18 जो भी वैल्यू डालेंगे उस हिसाब से डॉट बन जाएंगे, फिर इंटर कर देंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, फिर इनमें से एक को सेलेक्ट करेंगे, उसका कलर कुछ और रख लें, कलर स्ट्रोक पर अप्लाई करना है, याद रहे। ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर चले जाएंगे हम यहाँ से डिस्टॉर्टेड ट्रांसफॉर्म में, फिर इसके साइज से छोटा एक कॉपी लेंगे इसका, पहले यहाँ से 2 कॉपीज लेते, फिर यहाँ से इसके साइज को छोटा करते हैं, सपोज 90 करके देखते हैं, 92 करके देखते हैं, मिल रहे हैं उससे, 90 में थोड़ा गैप आ रहा है। फिर यहाँ से इसकी कॉपीज को बढ़ाने चल जाएंगे, फिर यहाँ से छोटा सा एक एंगल लगा देंगे, इसको ओके कर देंगे, क्लिक करके एक और सर्किल बना लेते हैं इसके सेंटर पॉइंट से, उसमें कलर हम ब्लैक भर देते हैं, और उसको क्लिक करके हम वो ब्लैक वाला इसलिए नहीं दिख रहा कि हमने उसको ब्लैक कलर दिया हुआ है, हालांकि मेन पॉइंट तो वही था ब्लैक वाला हमारा, फिर भी हम इसको चाहें तो इस वाले हिस्से को अलग से सेलेक्ट करके सही।
में आया?